दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी परवाह भी है? औरों की खुशी में खुश हो तुम, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आंखों की मुस्कान हो, तप त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा से हो तुम। सो दोस्तों, आज मैं मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल बेगूसराय में हूँ। जैसे कि आपको पहले बताया था, यहाँ पे लकवा उससे रिलेटेड कई प्रकार की रोगों का इलाज होता है। मुझसे अच्छा डॉक्टर महमूद सर बताएंगे और इन्हीं के जुबान से हम लोग और अच्छे से जानते हैं कि फिजियोथेरेपी इलाज होती कैसे है, यह किन किन रोगों में इस इलाज की ज़रूरत पड़ती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सर, आपके थ्रू से डिटेल में जानना चाहेंगे अस्पताल के बारे में, यहाँ पे किस तरीके के रोगी आते हैं, उनको इलाज जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से, फिजियोथेरेपी की विधि से आप लोग कैसे करते हैं, प्लीज़ सर। धन्यवाद रंजीत जी। मैं डॉक्टर महमूद आलम, मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल बेगूसराय से। मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल, डॉक्टर रोशन सर जो बेगूसराय के जाने माने ENT सर्जन हैं, जो इस अस्पताल के डायरेक्टर हैं, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद करता हूँ कि बेगूसराय में मनीष अमित मेमोरियल फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया और यहाँ इस शहर में फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को बताया। फिजियोथेरेपी भी एक चिकित्सा जगत की विधा है जिसमें फिजियोथेरेपी से बहुत सारे बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस फिजियोथेरेपी जो है चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें लकवा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हड्डी नस मांसपेशी से संबंधित बीमारी जैसे कमर दर्द, ठौना दर्द, गर्दन दर्द, गठिया, साइटिका, सर्वाइकल स्पंडलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर या मानसिक रूप से अपंग, विकलांग बच्चे का फिजियोथेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। फिजियोथेरेपी को बढ़ावा देने में डॉक्टर रोशन सर का इस बेगूसराय शहर में बहुत बड़ा योगदान है। समय समय पर डॉक्टर रोशन सर शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में फिजियोथेरेपी का प्रचार प्रसार करवाते हैं। आप तमाम दर्शकों को ये बात बताता हूँ कि फिजियोथेरेपी में कोई मेडिसिन यूज़ नहीं किया जाता है। जो भी इलाज किया जाता है वो फिजियोथेरेपी, जो भी इलाज किया जाता है वो फिजियोथेरेपी विधि से ही किया जाता है, जिसमें एक्सरसाइज और इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत अहम भूमिका होता है। इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज से ही यहाँ पर मरीज़ को, फिजियोथेरेपी में मरीज़ को स्वस्थ किया जाता है। तो आइए सुनते हैं चंदन कुमार जी के जुवानी से उन्हीं की कहानी, जो उनको यहाँ का इलाज की व्यवस्था, यहाँ का लोगों का व्यवहार, यहाँ का डॉक्टर, नर्स, यहाँ के अस्पताल के स्टाफ लोगों का व्यवहार कैसा लगा। सर ने बताया CP चाइल, लकवा, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, कोई भी खिलाड़ी हो नस चढ़ जाती है और
किसी भी प्रकार के दर्द शरीर में होता है या हड्डी चटक जाती है तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान होता है उसको स्वस्थ करने में। तो अभी हम चलते हैं, एक पेशेंट से बात करते हैं जिसका नाम है चंदन कुमार, यहीं से अच्छी तरीके से स्वस्थ हुए हैं और वो आज बहुत खुशनुमा दिन है उनके लिए और हमारे अस्पताल के सभी टीम के लिए। आज स्वस्थ होके चंदन कुमार जी अपने घर लौट रहे हैं। तो इस अस्पताल के बारे में महमूद सर तो काफ़ी कुछ बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के बताने से तो काम नहीं चलता है ना, तो जानेंगे हम पेशेंट के मुंह से ही, पेशेंट के थ्रू जानेंगे जे इनको यहाँ का व्यवस्था कैसी लगी, किस तरीके से इलाज हुआ। और तो खुशी की बात ये है कि आज चंदन जी और उनकी माता सब लोग यहाँ से स्वस्थ होके घर जा रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं चंदन जी से और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। तो चंदन जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं और कब से ग्रस्त हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और पिताजी का नाम अरुण कुमार महतो हुआ। घर बनाती पड़ता है जिला समस्तीपुर। और मैं बीए कंप्लीट करके जब कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, उसके बाद 6 अप्रैल को हमको एकाएक कमजोरी महसूस हुई थी और उससे पहले 27-28 मार्च को एकमात्र लूज मोशन हुआ था जिसके कारण हमको पता नहीं चल पाया। तो 6 अप्रैल को एकाएक कमजोरी होने के बाद हमने लोकल डॉक्टर से दिखाया अपने गांव में, तो वहां नहीं ठीक हुए। उसके बाद मैं बेगूसराय आया, बेगूसराय शंभू जी के यहाँ आए, तो शंभू जी के यहाँ से भी हमने चले गए रेफर के दरभंगा से फिर इलाज चला, दरभंगा में भी रेफर हुए। उसके बाद पटना PMCS में हम भर्ती हुए थे जहाँ हमको बीमारी का नाम GBS बताया गया था। ये GBS होता है, ग्लोबन बैरे सिंड्रोम होता है। इससे एक कमजोरी होती है और हाथ पाँव मतलब शरीर काम करना बंद कर देता है, जिससे हम घर्षित हुए। वहाँ IVIG चल रहा था, इम्यूनोग्लोबुलिन होता है एक दवा, उसके माध्यम थेरेपी चला था, उसके माध्यम से हमें इलाज चला। उसके बाद वहाँ से हमने डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिए। उसके बाद यहाँ कुछ दिन घर पर रहने के बाद हमने खुद से किया था, उसके बाद यहाँ आए और मनीष समिति मेमोरियल अस्पताल हमने सर्च किया था। सर्च करने के बाद यहाँ आए और इलाज करवाए। आज हम कुछ अपने आप को बेनिफिट पा के उसके बाद स्वस्थ हो के कुछ जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जो एक बच्चा बीमार होता समस्तीपुर से दरभंगा से पटना और लास्ट में बेगूसराय। तो अस्पताल का नाम है मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल। जो ये चंदन जी का इलाज ना दरभंगा में हो पाए ना पटना में हो पाए, लेकिन उनका इलाज यहाँ बेगूसराय में हमारे अस्पताल में मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में हो गया और आज ये स्वस्थ होके घर जा रहे हैं। तो चंदन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ, और जो आप स्वस्थ होके घर जा रहे हैं, आशा करते हैं जो आपके जो सपने हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, अल्लाह ईश्वर भगवान आपको सपने को साकार करने में मदद दे। हम लोगों की भी दुआएं आपके साथ हैं। तो आपने इस अस्पताल के बारे में कैसे ढूंढा और कहां कैसे, थोड़ा सा बताओ। सबसे पहले जब हम पटना से आए थे तो कुछ घर पे ही अपना किए थे, उसके बाद वहां से मेरे भैया हैं तो भैया सर्च करते हुए यहां बेगूसराय के बारे में पता किए, जिसमें फिजियोथेरेपी मनीष समित मेमोरियल अस्पताल के नाम से ये था और यहाँ के बारे में
सर्च कर देखते हुए उसके बाद भैया यहाँ से फ़ोन करके पूछे थे। उसके बाद भैया मेरे बोले कि जे वहाँ जाओ फिर वहाँ इलाज करवाओ। हमने भी यहाँ आया और इलाज करवाया फिजियोथेरेपी के माध्यम से। आज हम चल फिर रहे हैं। हम इस स्थिति में थे कि जो एक आदमी सिर्फ बोल सकता है, कुछ कर नहीं सकता है, हाथ पाँव मतलब कंपन तक नहीं कर रही थी, उस स्थिति में हम थे। और फिजियोथेरेपी के माध्यम से आज हम स्वस्थ होकर फिर घर जा रहे हैं। चंदन के माता जी से बात करेंगे, क्योंकि एक बेटा को जब कोई दर्द होता है तो माँ से बेटर कोई नहीं समझ सकता। और माँ जो होती है वो तो चाहे बच्चे कैसा भी हो, एक माँ का दर्द जानेंगे जब माँ पर क्या बीती थी। माता जी एक तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने जब बच्चे आपके इस बीमारी से ग्रस्त में आ गए थे तो आपने मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा था, आप बताएं जो आपने महसूस किया। पकड़ लीजिए। हाँ, महसूस तो हमको ये हुआ जो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमको बच्चा इतना महसूस है जो हम कुछ नहीं समझ पाते। उस टाइम हम भी सुन हो गए, फिर भी हिम्मत कर को बच्चा को सेवा किए। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज आपका बच्चा यहाँ से ठीक हो के जा रहा है? ना इसका इलाज दरभंगा में हुआ ना पटना में हुआ, लेकिन यहाँ पर इलाज हुआ है ना मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल में। तो आपको इस अस्पताल के बारे में दो शब्द कहे आप। आज तो हम दरभंगा और पटना से रेफर होकर आज हम जा रहे हैं मनीष अमित हॉस्पिटल से बच्चा के लिए। तक खुश हो मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल, ये सिर्फ अस्पताल ही नहीं, यहाँ पे पेशेंट के साथ एक परिवार की तरह पेश आते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल का स्टाफ हो या डॉक्टर हो, हर कोई पेशेंट को अपना समझ के इलाज के साथ साथ एक प्यार मोहब्बत व्यवहार भी मायने रखता है एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए। आप सभी ने मुन्ना भाई MBBS तो देखे ही हो, कैसे प्यार बांटकर मोहब्बत बांटकर और एक मरीज ठीक हो जाता है। तो मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से, चंदन की तरह हजारों लाखों पेशेंट हैं जिनका इलाज सही से हो पा नहीं रहा, ना होने का रीजन वो सही जगह नहीं जा पा रहे। तो आपके गांव, आपके समाज, आपके मोहल्ले, आपके शहर, आपके जिले, आपके राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से रोगों से जूझ रहा है तो प्लीज आप फेसबुक पे, आप गूगल पे मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल को सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं और आपका इलाज यहाँ आकर आप अपना इलाज करा सकते हैं। पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हमारे लिए मायने रखती है जो पेशेंट स्वस्थ होके जाए। मनीष अमित मेमोरियल अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर रोशन कुमार, वो भी एक डॉक्टर हैं और उन्हीं के देखरेख में ये अस्पताल चलता है, वही निदेशक हैं। और चंदन जी से जानेंगे, चंदन जी आप दो शब्द कहें हमारे हॉस्पिटल के डायरेक्टर रोशन कुमार सर के बारे में। जी, हम जैसे पेशेंटों के लिए जैसे रोशन सर जो हैं वो खुद एक गला और कान नाक का डॉक्टर हैं, हम जैसे पेशेंटों के लिए भी एक अलग से उन्होंने अपना व्यवस्था किया अस्पताल खुला मनीष अमित मेमोरियल के नाम से, जो हम लोगों को यहाँ सफल इलाज किया जाता है। हम और सभी पेशेंटों से चाहेंगे कि यहाँ अगर इस तरह से जूझ रहे हों पेशेंट तो यहाँ आकर इलाज करवाएं
यहाँ जो भी डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, सभी एक पारिवारिक तौर पर रहते हैं और फैमिली जैसे होती है उस तरह से हम लोग का मतलब इलाज करते हैं। कहीं ये ना हो कि वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल हम लोग के फैमिली के जैसे लगते हैं। और सब रोशन सर को भी बहुत बहुत बधाई कि जो हम लोग धन्यवाद जो कि हम लोग के लिए ऐसा अस्पताल खोले हैं। सर मैं चाहूँगा कि आप जो चंदन जी को जो बीमारी था उस बीमारी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं प्लीज़। जी जो प्रथम से चंदन कुमार जी, इनको जो है GBS सिंड्रोम नामक बीमारी हुआ था। ये बीमारी 100,000 लोगों में एक व्यक्तियों को अक्सर देखने के लिए मिलती है। इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा तो कमज़ोर हो जाता है और यह सीधा पेरिफेरल नर्व पे अटैक करता है जिससे मरीज को कमजोरी महसूस होती है। ये ऐसी बीमारी है जिसका इन्फेक्शन कमजोरी जो है तो पाँव से लेकर के पाँव की छोटी उंगलियों से लेकर के स्प्रेड होता है ऊपर की ओर और धीरे धीरे डायफ्राम तक पहुँच जाता है, फेफड़ों तक कमजोरी करता है। इसके वजह से जो है तो पेशेंट को चलने फिरने में असहमति होती है। यह रोग मोस्टली जो है तो देखा जाए तो ये एक वायरस के इन्फेक्शन से भी होता है जो कि साइटोमेगैलो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस, एपिस्टीन बार वायरस हो गया, इसके वजह से होता है। इसमें पेशेंट को सबसे पहले होता गया कि जब कभी लूज मोशन हुआ या कि फीवर आया उसके बाद ही इसका इन्फेक्शन शुरू होता है और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली होता है। इसके बाद पेशेंट जो है चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। इसके लिए पेशेंट को तुरंत जो है तो इनिशियली तुरंत ही फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए और फिजिशियन जैसी सलाह दे उन्हें ट्रीटमेंट करना चाहिए और ट्रीटमेंट के ठीक बाद इन्हें फिजियोथेरेपी में आने की ज़रूरत होती है कि पुनर्वास करवाने की ज़रूरत होती है। उसमें होता है कि जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं उसके लिए एक्सरसाइज के माध्यम से इनकी जो है तो बीमारी को दूर किया जा सकता है। सर क्योंकि चंदन जी बताए मुझे जो ये इलाज के लिए दरभंगा गए थे, पटना गए थे, मतलब इतने बड़े बड़े जगह जाने के बाद उसको वहाँ इलाज नहीं मिल पाई। अपना हॉस्पिटल का कुछ तो खासियत है जो मतलब दर्शकों से आप साझा करें जाए, ऐसी क्या बातें हैं? था क्या कि दरअसल होता क्या है ना कि फिजियोथेरेपी का जो अभी तक हमने देखा हॉस्पिटल्स है तो वो बहुत कम है, क्योंकि फिजियोथेरेपी की फैसिलिटी हर हॉस्पिटलों में नहीं है अभी तक। तो यहाँ जो अपना मणि समेत मेमोरियल हॉस्पिटल है या आपके बेगूसराय का एक तो सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर है जो कि यहाँ के निदेशक डॉक्टर रोशन कुमार जी के द्वारा चलाया जा रहा है और इस वजह से लोगों को यहाँ पे आने में सुविधा है, रहने की अच्छी सुविधा है, इस वजह से भी लोगों को यहाँ आना जरूरी है। तो दर्शकों आपके शहर बेगूसराय में ही इतना अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर है, यहाँ पर जो बहुत ही लोग आए हैं स्वस्थ होके गए हैं। आप बहुत अच्छा लगता है सुनने में जो कोई लोग बोल देता है जो आप अपने बच्चों का या आप अपने जो भी मरीज है उसका इलाज दरभंगा से कराओ, पटना से कराओ, पर सही जगह पे ना जाने के बाद पैसे की तो बर्बादी होती ही होती है, उसके साथ साथ जो हो सकता है जो बीमारी जो 3 महीने में ठीक हो वो खींचता चला जाता है, 6 मंथ लग जाते हैं, साल लग जाते हैं और कई जो मरीज यहाँ ना आने में असमर्थ जो होते हैं, ना आ पाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो। तो मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ जो ऐसी कोई भी बीमारी हो, हड्डी में दिक्कत हो, आपके मांसपेशियाँ में खिंचाव आए, लकवा हो, फेस से रिलेटेड कोई लकवा हो, तो प्लीज़ आप मनीष मेमोरियल अस्पताल में ज़रूर आए और यहाँ आकर इलाज करवा के देखिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने प्रोग्राम का समापन करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे डॉक्टर रोशन कुमार जी को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तो हमारा एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम है स्टार्स ऑफ बेगूसराय। YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। आशा करता हूँ जो आपको
मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। केवी स्टूडियो से कैमरामैन शिवम के साथ। दिन रात दौड़ती इस दुनिया में, क्या तुम्हें अपनी परवाह भी है? औरों की खुशी में खुश हो तुम, क्या इससे ज्यादा कुछ चाह भी है? नम आंखों की मुस्कान हो, तप त्याग की पहचान हो, उम्मीदें हो सबकी, दिलासे हो तुम। खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम, खुदा तो नहीं पर खुदा से हो तुम। तुम्हारा हिस्सा था शायद पल उसका जिया नहीं,